हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आई एम योर फ्रेंड आमिर रशीद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11th का रिजल्ट कब आने वाला है और मास प्रमोशन होगी या एग्ज़ाम होगा। जम्मू वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका समर जोन अब उनका एग्ज़ाम अब होने ही वाला है क्लास 10th और 11th का, तो क्या उनको मास प्रमोशन मिल गई या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो कि रिज़ल्ट अब आने ही वाला है क्लास 10th और 12th का, तो उसमें भी कितने परसेंटेज रिज़ल्ट आए हैं, उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उसको भी कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो उसमें तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लिक कीजिए, वो ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप वीडियो देखते हो फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो। हमारे इस YouTube चैनल पे 3K आप कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए, इसलिए बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, ठीक है। चलो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूंगा कि रिज़ल्ट क्लास 11th का कब आने वाला है। उनका रिज़ल्ट अब कम से कम उनका रिज़ल्ट तभी आएगा जब क्लास 10th और 12th का आ जाएगा, ठीक है। 10th और 12th का रिज़ल्ट कब आ जाएगा? उनका रिज़ल्ट तभी आ जाएगा यानी यहाँ को फरवरी में उनका रिज़ल्ट आने ही वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी उनका रिज़ल्ट के चांसेस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि परसेंटेजेस जो है, कितने परसेंटेजेस जो आ गए हैं रिज़ल्ट के क्लास 10th और 12th के। तो कहते हैं कि सुनने में आया है कि कम से कम 80% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि JK बॉस ने कुछ नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें बताया था आपको कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि 30% आपको रिलैक्सेशन मिल गई। तो इसके अकॉर्डिंग ही जिन्होंने कम से कम 19-20 मार्क्स किए हैं वो पास हो गए, ठीक है। तो हो सकता है कि 80 से कम हो या 80 से ज़्यादा हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ ये हम कह सकते हैं कि आपका मार्क्स जो है यानी 80% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा होगा तो इंशाल्लाह वो सब पास हो जाएंगे। तो बात करते हैं हम दूसरे अपडेट की। दूसरा अपडेट ये है कि मास प्रमोशन होगी या एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो किन स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन मिल गई या नहीं? तो ये जम्मू वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अब हाल ही में होने वाला है, या तो उनका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है या तो मार्च में होने वाला है, क्योंकि उनका समर जोन में आता है वो स्टूडेंट जो क्लास 10th 11th 12th में है, उनका एग्ज़ाम अब होने ही वाला है। तो उनका जो, क्योंकि आपको मालूम ही है कोविड-19 की वजह से सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बंद हो गए, कोचिंग सेंटर भी बंद हो गए, तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम जो है उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है, इतना हम कह सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आएगी मैं सबसे पहले आप ही को वो अपने ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है। उसमें हम रोज़ाना अपडेट्स देते रहते ही हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब आने वाला है क्लास 10th और 11th का, सॉरी 12th का, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि अब 40 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, 50 डेज हो गए हैं अब कम से कम। तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आ सकता है। ये 100% चांसेस है फरवरी में आ सकता है, या तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आ सकता है या सेकंड वीक ऑफ फरवरी आ सकता है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो अब जल्दी ही आने वाला है। आप रेडी रहेंगे, इंशाल्लाह सब पास होंगे। तो मेरी दुआ यही भी है कि सब इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की इस वीडियो में, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक अपनी अपनी घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।